इलेक्ट्रिक मेजरमेंट लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर के दो सेलों के ईएमएफ की कंपेयरिंग कैसे करें, एक एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दूसरा एप्लीकेशन है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पोटेंशियोमीटर वाले मेथड से, मतलब पोटेंशियोमीटर मेथड से हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करें यह बताएंगे, एंड द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस का हो यूज भी कह सकते हैं, यूज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, है ना। पहला है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एक दूसरा है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्स, ये दो हैं आपके। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं इसका, टू कंपेयर कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये लेक्चर देखने से पहले मैंने पोटेंशियोमीटर के दो लेक्चर और बनाए हैं, पोटेंशियोमीटर का लेक्चर नंबर 11 और 12 मैंने क्वेश्चन कैसे करते हैं ये सिखाया है, पोटेंशियोमीटर में वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, पोटेंशियोमीटर का यूज, पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं ये सिखाया है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो इसके लिए देखो हमें इसके दो केस बनाने पड़ेंगे, जैसे हम बनाते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं कि ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट बना लिया मैंने, ये भी होता है, ये पोटेंशियोमीटर वायर यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का ए और बी लिख दिया, फिर यहां पर एक सेल बना लो आप ए और एक की लगा दो, इसे K1 की कह देते हैं, इस सेल का ईएमएफ E1 है, फिर एक और सेल बना दो इसी जगह पर ऐसे और यहां ईएमएफ E2 लिख दो और एक सेल यहां पर भी लगा दो K2, फिर यहां से ऐसे करके एक गैलोमीटर लगा के एक जॉकी लगा दो, है ना। मान लो ये जॉकी हमने यहां लगाया J1 पर। अब केस बना लो कि पहले हम इस की को की K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन कर रखेंगे, तो लिख लो केस वन, इफ कीपिंग की K2 K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन, the balancing length L1 gives the EMF of cell. So, देखो अगर हम K1 को क्लोज कर लें, जैसा आपने लिखा है कीपिंग की K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन, तो K2 की को ओपन रख रहे हैं और ये एक बैलेंसिंग लेंथ, दैट मींस गैलोमीटर में कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो रही है J1 पर, दैट मींस बैलेंसिंग लेंथ है L1, है ना। तो एक बार बताओ, यहां अगर ये ओपन है तो ये तो किसी काम का नहीं, इसको आप चाहो तो ये समझ सकते हो कि इस तरह से डायग्राम है ओनली, तो वहां पर K2 जो की है वो ओपन है, तो ये वाला केस हो गया।
और ये केस हमने पढ़ा है। इस वाले केस में हम क्या जानते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है कि ई वन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है के, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है एल। हमने पीछे केस पढ़ा था ई बराबर के एल हम प्रूव करते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है कि ये कैसे आया तो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, है ना, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। पर इसके लिए आप लेक्चर नंबर आप 12 देख लो, वहां पर मैंने केस पढ़ाया वन, ये प्रूव करके दिखाया है। फिर भी देखो बता देता हूं, ये आपका इस तरह से वी था, टर्मिनल पोटेंशियल सॉरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियोमीटर पाया। यहां पे हम एक सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ ई है और ये गैलोमीटर, और यहां जॉकी को टच किया और मान लो गैलोमीटर में करंट कितना है, जीरो, तो ये बैलेंस नल पॉइंट हो गया। और पॉजिटिव एंड से, वायर के पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। अच्छा तो एक बात बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू, अगर वी ए माइनस के वीजे लिख रहे हैं अगर हम, तो ए और जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच की ही लेंथ लिखेंगे। दैट मीन्स एल, यहां से के एल इज इक्वल टू वी ए माइनस के वीजे लिख सकते हो आप, ठीक है। एक अच्छा दूसरा पॉइंट इसी में बताओ, इसी में यहां लिख देता हूं, इस वी ए माइनस वीजे का नेम क्या लिख सकते हो आप, तो एक तो नाम लिख सकता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, वी ए माइनस वीजे का एक नाम लिख सकता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, और क्या लिख सकता हूं, तो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए पॉइंट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे वाले पॉइंट से, इसमें तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रही गैलोमीटर में, है ना, गैलोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे से है, तो इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये सेल के टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसे आप बोल सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अगर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू ई माइनस के आर आर, इसमें v का नाम होता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जो कि हमने यहां पे ये माना है। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है ना, तो ये माना है हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो इस v की जगह पे हम लिख सकते हैं va माइनस के vj। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट a का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट j का, और इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट a एंड j, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा और ईएमएफ ई है, और एक बात, तो इस सेल में इस सिचुएशन में कोई करंट है क्या, नहीं, देखो यहां से करंट जब निकलती है तो ये करंट ऐसे चली जाती है सीधी, ये हमने लेक्चर नंबर 11 में बताया है, है ना, और ऐसे कोई करंट फ्लो करती, बैलेंस हो गया ना, नल पॉइंट ऑफ टर्न हो गया, गैलोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो आई की वैल्यू, सेल में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही इस समय, तो आई की वैल्यू कितनी है, जीरो इंटू आर, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वी ए माइनस के वीजे सेल के ईएमएफ के बराबर है ऐसे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट थे हमने वी ए माइनस के वीजे निकाला केएल के बराबर, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के वी ए माइनस के वीजे निकाला सेल के ईएमएफ के बराबर, वी ए माइनस वीजे केएल और ये ई, तो इसकी जगह पे हम केएल लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं बराबर ई, तो ई बराबर कितना आया केएल, तो देखो यही तो फिगर है यहां पे, यहां पे जो बैलेंसिंग लेंथ एल थी वो बैलेंसिंग लेंथ एल वन हो गई, यहां सेल का ईएमएफ ई है तो इसकी जगह पे ईएमएफ सेल का कितना हो गया ई वन, इसमें भी किलोमीटर में कोई करंट नहीं है, ये देखो ऐसे सर्किट बनना है सेम टू सेम, और ऊपर वाला प्राइमरी सेम है, आप चाहो तो इसमें करंट दिखा सकते हो ऐसे, ये आई ऐसे आई जीरो है, तो इसीलिए इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप ईएमएफ ऑफ सेल, जो हम जिस सेल का हम ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं वो के इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग लेंथ एल वन, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट नोट किया आपने, यहां पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि देखो यहां के कैसा टर्म है कांस्टेंट, तो ईएमएफ ऑफ सेल जितना ज्यादा बड़ा होगा बैलेंसिंग लेंथ भी बड़ी होगी, ईएमएफ ऑफ सेल कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगी, और बैलेंसिंग लेंथ हमेशा वायर के पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, पॉजिटिव एंड से मेजर करते हैं बैलेंसिंग लेंथ, क्लियर है।
अच्छा, तो मिस डायरेक्ट लिख सकते हो आप इस रिजल्ट को, ये प्रूफ है आपका इसका, हमने पीछे भी प्रूफ किया था इसको, ऐसे समझ में आया? ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर लो, क्लियर है? ये फर्स्ट केस हो गया देखो आपका। अब सेकंड केस में क्या है, हमें क्या करना है सेकंड केस में? सेकंड केस में आप अभी इस सेल, देखो इसको पूरा कर लेते हैं डायग्राम, मिटालना नहीं सेल को, ये सेल E2 था और ये की ओपन थी, K2 कैसी है आपकी यहां पे? ओपन है, ये K2 की ओपन थी ऐसे, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इसी डायग्राम को रिपीट कर लेंगे आप, सेम टू सेम इस डायग्राम को रिपीट कर दो यहां पे ऐसे, ये बैटरी बना लिया आपने और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर बना दिया है आप इस तरीके से, यूनिफॉर्म एरिया प्रोसेसर का बनाना, ये वी है आपका और यहां आपने ये सेल लगाया था, इसका ईएमएफ E1 था। अब की K1 को ओपन कर दो और की K2 को क्लोज कर दो ऐसे, K2 क्लोज कर दिया है और आपका K1 ओपन कर दिया है। तो अब एक बार बताओ, अब क्या बैलेंसिंग लेंथ वही रहेगी? भाई ये वाला सेल तो लगा होना ना लगे होने के बराबर है, यहाँ K1 ओपन है ना, तो इसे हटा सकते हो आप। तो सर्किट आपके कौन सा बनेगा समझ में आया? ये वाला ऐसे, जैसे मैंने इसमें से अभी इस सेल को उठाया था, आप चाहो तो अब सेल E1 को उठा सकते हो, लेकिन बना देना कि ओपन कर देना बस केवल, ठीक है? क्लियर है? अब यहां पे एक पॉइंट है कि अगर मैंने ये लिखा E2 ग्रेटर देन E1, सेल E2 का ईएमएफ ज्यादा है E1 से, है ना, तो ये तो बैलेंसिंग लेंथ के तो कॉन्स्टेंट टर्म रहे, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहां पे जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसी की बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी, है ना, लेकिन अभी तो हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम बैलेंसिंग लेंथ मान लो चेंज हो गई, J2 हो गया, अब ये पहले J1 था अब J2 पे बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो रहा है, ये A है ये B था ऐसे, तो इसमें करंट तो ऐसे फ्लो करेगी प्राइमरी वाली में, ये तो करंट फ्लो करती करती है, ये ओपन है और ये IG तो जीरो है, तो अभी भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगी इस वाले ब्रांच में, है ना, तो सेम टू सेम आप लिख सकते हो इसको ऐसे ही यहां पे, कीपिंग की K2 क्लोज्ड एंड की K1 ओपन, द बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ L2 गिव्स द EMF ऑफ सेल, सो E2 बराबर KL2। सिमिलर आप इस सेल को देखो, यहां अब ये ओपन है तो आप इसको उठा सकते हो ऐसे, तो क्या डायग्राम में चेंज है भाई, है ना, वही तो है, बस ये है कि अब हमारा E2 सेल आ गया, बैलेंसिंग लेंथ बदल गई है, अब बैलेंसिंग लेंथ नहीं है आपकी L2 है, तो E2 बराबर KL2, K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कॉन्स्टेंट टर्म होता है फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए, पोटेंशियोमीटर वायर चेंज नहीं किया, ए बी चेंज नहीं किया और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं किया, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, है ना, वायर का, क्लियर है? तो के तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, लेकिन बैलेंस सेल का ईएमएफ बदला है तो बैलेंसिंग लाइन बदल जाएगी अब, तो ये L2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेकिन ये फिगर बनाना बेटा आप इसको, ऐसा नहीं कि आप समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इसे बार बार मिटाल देता हूं, ये सेल की K1 ओपन, ये E1 ठीक है, ये क्लोज कर दिया, ये ऊपर चेक कर, समझ आया आपको? तो दोनों फिगर बना सकते हो आप, थोड़ा सा लेंथी दिखाई देगा कंपैरिजन करोगे। अब कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? रेशियो निकालना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस सेल का ये बड़ा है, कितने टाइम ज्यादा है ऐसे, तो आप इक्वेशन डिवाइड कर दो। तो देखो कहाँ करें हम एप्लीकेशन, ये वाला पॉइंट मिटाल देते हैं, एप्लीकेशन और पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, तो ये हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या करें E1 का और E2 का डिवाइड कर ले, फर्स्ट और सेकेंड का डिवाइड कर ले, तो ये कंपेयरिंग हो गई E1 ओवर E2 L1 ओवर L2, ठीक है यहां तक आया? ठीक है भाई, तो ये कंपेयरिंग इस तरह से इसको बोलते हैं हमने, दोनों सेलों की हमने क्या कर ली कंपेयरिंग। देखो ये एक पॉइंट हो गया पूरा, एक आर्टिकल हो गया, मैं इसी से रिलेटेड एक और सेलों की कंपेयरिंग का दूसरा आर्टिकल बताता हूं आपको, ठीक है? तो इसे पहले हम मिटालते हैं फिर हम सेकंड केस बताते हैं।
इसमें कभी कभी क्या होता है कि दो सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता है, फिर बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करता है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, सपोर्ट में कनेक्ट किए हैं या अपोज में, इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको, पहले एक केस बनाता हूं, इस टू पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ये, ठीक है, अलग आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल कह सकते हो, कंपेयरिंग ऑफ टू सेल ऑफ ईएमएफ के लिए, है ना। तो लिख रहे हैं, पहले डायग्राम बना लेता हूं फिर लिखता हूं। इसमें भी पहला केस बनाता हूं, फर्स्ट केस, सेकंड आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यू आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं क्योंकि वहां लाइन लिख दूंगा मैं, ये एक मैंने पोटेंशियोमीटर बना लेता हूं पहले, तो ये एक मैंने पोटेंशियोमीटर बना लिया। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम में कौन सी चीज कहाँ बन रही है, उस क्या नेम है, उस पर ध्यान रखा करो, ठीक है। वी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, यहां मैंने दो सेल लगाए और दोनों सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया। अब ये देखो, ये दोनों सेल सपोर्ट में हैं एक दूसरे के या अपोज में हैं। देखो, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब ऐसा होता है कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो सेलों के ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, याद है आपको ये पॉइंट। तो अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो और सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट हो, तो इन दोनों सेलों का ईएमएफ, टोटल ईएमएफ निकालें तो ऐड हो जाएंगे, ईएमएफ ई1 प्लस ई2, टोटल नेट ईएमएफ निकालें दोनों का तो ई1 प्लस ई2। अब यहां पे एक गैलोमीटर लगा दिया ऐसे और बैलेंसिंग लेंथ ऑप्टेन कर ली J1 पर, मान लो ये बैलेंसिंग लेंथ ऑप्टेन करी L1 पर, दैट मीन्स गैलोमीटर में करंट कितना है, जीरो। तो ये बताओ, इस केस में और पहले जो हमने पढ़ा ये वाला केस, इसमें डिफरेंस क्या आया? अगर हम नॉर्मल जो डायग्राम बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का, वो ये बनाते हैं, एक पोटेंशियोमीटर ला लेते हैं और यहाँ एक ही सेल लगाते हैं ऐसे, और नल पॉइंट ऑफ टर्न करते हैं जे पॉइंट पर, ये ए, बैलेंसिंग लेंथ लिखते हैं एल और ईएमएफ ई। तो इस वाले केस में हम लिखते हैं कि जब नल पॉइंट ऑफ टर्न हो जाता है तो इस सेल का ईएमएफ कितना आता है, के एल, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर का और एल बैलेंसिंग लेंथ है। यहां पे एक ही सेल लग रहा है जबकि यहां तो दो सेल लग रहे हैं। अब क्या करें, तो इन दोनों सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके, सपोर्ट में लग रहे हैं तो सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके नेट ईएमएफ निकाल लो। तो नेट ईएमएफ ई इक्वल टू कितना होगा, ई1 प्लस ई2, और इन दोनों सेलों का कॉम्बिनेशन करके एक सेल बन जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, यहां बना देता हूं, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब इन दोनों सेलों का कॉम्बिनेशन किया तो एक रिजल्टेंट सेल बन गया, सेल ही बना देता हूं, ठीक है, एक नेट रिजल्टेंट सेल बन गया कॉम्बिनेशन करके, एक सेल बन गया। और इसका ईएमएफ कितना है, ई इज इक्वल टू ई1 प्लस ई2 ऐसे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप एक सेल बना सकते हो, चाहो तो इसको मिटा के एक सेल बना दो, उसका ईएमएफ कितना मान लो, ई1 प्लस ई2, ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ ऑप्टन हो रही है एल1 पर। तो रिजल्ट क्या आएगा, जैसे इसमें आता था ई रा के एल, तो इसमें क्या आएगा, ई1 प्लस ई2 बराबर के एल1, देखो ऐसे, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ एल1 है तो एल1 लिख दिया, के तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ही है, कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहां पे एक सेल था उसका नेट ईएमएफ कितना था, ई, यहां पर ये दो सेल है सपोर्ट में एक दूसरे के, तो नेट ईएमएफ निकालेंगे इन दोनों सेलों का कॉम्बिनेशन करके, कंबाइंड करके एक सेल बना, उसका ईएमएफ कितना आएगा, ई1 प्लस ई2। तो अगर आप चाहो तो इसको उठा के यहां एक सेल बना सकते हो ऐसे कॉम्बिनेशन करके, और इसका अब ईएमएफ कितना होगा, ई1 प्लस ई2 होगा, यहां ई लिख रहा है यहां ई1 प्लस ई2 लिख रहा है, तो यहां ई आ रहा था तो यहां ई1 प्लस ई2 आएगा, क्लियर है। लेकिन आप इसको करना तो अलग से करना है ऐसे, यहां दोनों सेलों को बने रहने देना, ठीक है, ऐसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ई1 और ये ई2। तो आप यहां एक लाइन भी लिख सकते हो यहां पे ऐसे, इफ टू सेल ज्वाइंड इन सीरीज, है ना, ज्वाइंड इन सीरीज, सपोर्ट टू सपोर्ट ईच अदर, ईच अदर, इफ टू सेल ज्वाइंड इन सीरीज सपोर्ट ईच अदर, देन
द बैलेंसिंग लेंथ, इस वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ इज एल वन, है ना, ये लेट कर लिया हमने। सो हम ये लिख सकते हैं सारा, यहां तक लिख दो, इसको थोड़ा सा इधर सरका देता हूं, यहां से दूसरा हो गया E1 प्लस E2 बराबर के एल वन। फर्स्ट इक्वेशन, एक तो ये सपोर्ट में लगाए, एक हो सकता है कि हम दोनों सेलों को सीरीज में ज्वाइन जरूर करें लेकिन एक दूसरे के अपोज में लगाएं, ठीक है। अपोज का मतलब बताता हूं, ठीक है, यहां बनाता हूं के सेकंड, इसी आर्टिकल का सेकंड, के सेकंड थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं डायग्राम फिर बना लेता हूं। ये मैंने एक बैटरी बना ली प्राइमरी सर्किट की, और ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर है, ये वाला पोटेंशियोमीटर प्राइमरी सर्किट और ये प्राइमरी सर्किट सेम है बिल्कुल, ठीक है, चेंज नहीं किया। चेंज केवल क्या किया है जानते हो, हमने पोलरिटी रिवर्स कर दी है, सेलों की पोलरिटी रिवर्स कर दी है बस केवल। ये देखो नेगेटिव से नेगेटिव, देखो वायर के पॉजिटिव एंड से सेल का पॉजिटिव एंड ही कनेक्ट होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी याद तो है आपको, इसमें गड़बड़ मत कर देना। यहां कर दिया मैंने, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म कनेक्ट थे, अब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, ये अपोज कर रहे हैं दोनों सेल एक दूसरे का, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, है ना। तो इस वाले केस में एक बात बताओ, नेट ईएमएफ घटेगा या बढ़ेगा, पहले ये देखें। तो इस वाले केस में नेट ईएमएफ निकालें, नेट ईएमएफ ई इज इक्वल टू आएगा, अगर ईवन इफ यहां पे, चलो यहां लिख देता हूं, ईवन माइनस ई टू इफ, अगर ईवन बड़ा है ई टू से तो, अगर ई टू बड़ा होता ईवन से तो ई टू माइनस ईवन आता। चाहो तो आप इसे बना सकते हो ऐसे कि एक सेल ये रहा और ये दूसरा सेल, इसका ईएमएफ ई वन है, इसका ईएमएफ ई टू है, जॉइंट करके एक सेल बन गया है भाई, इनको कंबाइंड करके एक सेल बना लिया, और इसका ईएमएफ ई है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ई वन माइनस ई टू। तो ये तो अब यहां पे ई वन प्लस ई टू है, के तो कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहां पे क्या आएगा, ई वन माइनस ई टू आएगा यहां पे, तो ये ईएमएफ कम हो गया, तो बैलेंस लेंथ भी तो कम हो जानी चाहिए भाई, ई वन प्लस ई टू बड़ा होगा, ई वन माइनस ई टू छोटा होगा, सेल तो वही है, ये सेल और ये सेल सेम है, बस पॉलिटी रिवर्स कर दी हमने, है ना। तो हम यहां जो लिख सकते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी इसकी, तो ये जे टू, ये डायग्राम बनाने में भी कंसेप्ट है, अब बैलेंसिंग लेंथ इसकी कम कर दो उसकी ज्यादा कर दो तो डायग्राम खराब दिखाई देगा, गलत हो जाएगा डायग्राम, ठीक है, ये वाला पॉइंट पर ध्यान दिया। अब आप यहां लिख सकते हो सेकेंड केस में, देखो यहां लिख देता हूं भाई, ठीक है, क्या लिख सकते हो, तो E1 माइनस E2 बराबर के एल टू, ये इक्वेशन नंबर टू, ये दोनों एक ही आर्टिकल है, अगर कंपैरिजन करवाता है तो आप चाहो तो क्या कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दो, तो आप कह सकते हो E1 प्लस E2 ओवर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये के एल वन है, ये के एल टू है, के से के कट गया, तो के से के कटेगा तो ये रिजल्ट रह जाएगा, L1 L2 की वैल्यू गिवन होगी आपको, अगर L1 L2 की वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पुट करके E1 E2 का रेशियो निकाल सकते हो आप, यहां से भी सॉल्व करके, अगर L1 L2 की वैल्यू ये 50 सेंटीमीटर ये 30 सेंटीमीटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके E1 E2 का रेशियो निकाल सकते हो आप, तो फिर सेलों की कंपेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड केस हो गया, दूसरा मैं दूसरा ये दूसरा आर्टिकल हो गया एक कंपेरिजन ऑफ सेल का। यहां एक चीज देख सकते हो, इफ टू सेल्स joined in series, series में भी अभी भी अपोज ईच अदर, कैसे लगाए हैं एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, अपोज ईच अदर देन, अपोज कर रहे हैं तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहां पे, ईच अदर देन बैलेंसिंग लेंथ इज एल टू, सो आपका ये आर्टिकल हो गया, ठीक है भाई, समझ में आया ये देखो न्यूमेरिकल है आपका, इस तरह से न्यूमेरिकल भी आएगा, तो मैंने केवल जो है चेंज क्या आ रहा है इसमें और पहले वाले आर्टिकल में वो बता रहा हूं,
बाकी के जो चार केस पढ़ाए हैं उसी के हिसाब से चलेगा आर्टिकल। बस यहाँ पर ये चेंजिंग आ सकती है ईएमएफ वाले केस में, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया। अब हम इसका जो दूसरा एप्लीकेशन था कि हम किसी इस जो सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वाले मेथड से कैसे फाइंड आउट करें, पहले उसे देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम एग्जाम्पल कराएंगे और थोड़े से, ठीक है। ठीक है पहले इसे मिटालता हूं, हेडिंग लगाते हैं टू मेजर। टू दूसरा एप्लीकेशन है इसका, ये है ना सेकंड एप्लीकेशन, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, कौन से मेथड से, पोटेंशियोमीटर के मेथड से, ठीक है। तो देखो एक डायग्राम बना लेता हूं पहले मैं, यहां ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। अब जरा ध्यान रखना कि मैंने इसको V डैश मान लिया है, देखो नेम पर ध्यान रखना, अभी तक इसे V मान चले आ रहे थे, इसको अब मैंने V मान लिया है, V डैश, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट किया, V डैश कंसिडर किया, एक पॉइंट बताऊंगा क्यों कंसिडर किया है, ठीक है। आप ध्यान रखना अभी तक हम इसको V मान चले आ रहे थे, इस आर्टिकल में मैंने इसे V डैश माना, इंपॉर्टेंट होता है ये सिंबल की जगह पर ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं किया, देखो इसमें प्राइम ब्रैकेट में तो मैंने ए और बी। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां मैं एक सेल लगा ले रहा हूं ऐसे, इसका ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सेल के अंदर होता ही। और यहां मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, इसे मैं आर डैश कह देता हूं, इसका रेजिस्टेंस हम आर मानते थे, इसको आर डैश मान लिया है, ठीक है यहां लगाया है, ठीक है। आर डैश कंसिडर कर लेते हैं, आर कंसिडर कर लो इसका, इसको आर कर लिया तो फिर इसका वायर का रेजिस्टेंस आर डैश मान लो भाई, इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस हम आर मानते थे कि नहीं, तो अब आर यहां मान लिया तो फिर वहां पे आर नहीं मानेंगे ना, तो इस वायर का रेजिस्टेंस तो आर मान लिया, इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आर मान लिया, तभी मैं कह रहा हूं कि जो डायग्राम में कौन सा रेजिस्टेंस है क्या नहीं, उसका नाम क्या है, उस पर ध्यान दो। तो इस ए बी वाले वायर का रेजिस्टेंस मैंने लेट किया है आर डैश, अभी तक हम पीछे जितने भी आर्टिकल पढ़ाए हैं उन सब में मैंने आर माना है, अब मैंने आर इसको मान लिया तो इसे आर डैश मान लेता हूं यार, लिख दो उसकी जरूरत नहीं है वैसे भी मेरे को, अभी यहां तक आया, ठीक है। अब यहां पे उसने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया और ऐसे जॉकी लगा ली, एक यहां पे गड़बड़ और की, यहां पे की और लगाई, जैसे हम की कह देते हैं के, और कहीं की तो लगाई नहीं है मैंने, बस यही लगाई है की, अगर यहां पर भी एक की लगा रहे हो ऐसे उसे तो क्लोज रखो के, जैसे के वन मान लो चलो, ठीक है ऐसे। तो हमें क्या करना है, एक बार इस की को ओपन रखें, अगर इस की को ओपन रखे हैं तो इसका मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस यहां है ही नहीं, अगर की ओपन दैट मीन्स ये बेमतलब में जोड़ रखा है, ये सर्किट ऐसा है कोई मतलब ही नहीं की ओपन है तो, ठीक है ना। तो ये सर्किट इस तरह से है, तो हमें क्या करना है कि एक बार हमने इस क्यू को ओपन रखे, की के वन को ओपन रखे, ओपन रखा और गैल्वेनोमीटर से जॉकी को सरकाया इधर उधर और नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, IG बराबर 0, समझ में आया आपको। जब इसको ओपन रखेंगे तो यहां से कटा हुआ मान लो ये मिटाल दो, यहां से कोई मतलब नहीं है इसका, क्लियर है। अब जैसे देखो इस वाले को बैलेंसिंग लेंथ ऑप्टन कर ली हमने J1 पर, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ हम मान लेते हैं L1। तो इसको देखो अगर हम इसका इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, चलो इसे मैं पूरा कर देता हूं ऐसे, समझ में आया ऐसे। तो हम इसमें एक लाइन लिख लेते हैं पहले, फाइंड द बैलेंस पॉइंट J1, फाइंड द बैलेंस पॉइंट J1 है ना, व्हेन द की K1 इज ओपन। ये हमने कब बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन किया है J1 पर, जब की K1 कैसी है, ओपन है। इन दिस केस आगे नहीं ले जाए, यहां लिखें
इन दिस केस सर्किट कैसा है, ओपन है क्लोज्ड है? तो ओपन है, तो हम क्या लिखें, इन दिस केस द सर्किट इज ओपन, है ना, इन दिस केस द सर्किट इज ओपन सर्किट, है ना, इन दिस केस द सर्किट इज द सर्किट इज द ओपन सर्किट. या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज में गलती, इन दिस केस द सेल इज इन द ओपन सर्किट. याद है सेल ओपन सर्किट में का मतलब क्या होता है, सेल का अगर कोई करंट ड्रॉ ना करे तो उसे बोलते हैं ओपन सर्किट. तो देखो यहां पे तो नल नल पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है जीवन पॉइंट पर टच करने पर, तो ये था, ये सेल कोई करंट नहीं निकालेगा अगर ये ओपन होगा, क्योंकि कैसे निकालेगा अगर ये है नहीं है यहां, तो ऐसे इस तरह से डायग्राम है वो बना हुआ है, लेकिन की केवन क्या है, ओपन है ना, तो की केवन ओपन है, तो ये रेजिस्टेंस आपका हमने आर माना, और यहां पर ये जो की है ये ओपन है, की केवन ओपन है, तो ये सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा इसमें, यहां पे तो करंट जीरो है ही है, क्लियर है. तो इस वाले केस में जो बैलेंसिंग लेंथ हमें ऑब्टेन होगी वो हमने कितनी मानी है, एल वन, तो हम क्या लिख सकते हैं इस वाले केस में, ई बराबर के एल वन लिख सकते हैं. इसमें एक पॉइंट बता देता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेट करना है इसमें, ठीक है. देखो अगर ये ओपन है, तो देखो इसको मैं यहां बना लेता हूं यार, एक बार और बना लेता हूं इसको यहां, ठीक है, बहुत सो कोई समझ में नहीं आता तो मैं इसको यहां बना लेता हूं, बार बार उसमें छेड़खानी ना करें. ये सेल है और ये गैल्वेनोमीटर है ऐसे, और ये कनेक्ट किया है मैंने जीवन पर, ये ए पर, ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है एलेवन पर, ऐसे ये सेल का ईएमएपी इंटरवेंशन था, ये कंडीशन है, ये ओपन है ना, तो ये लगा होना ना लगा होने के बराबर ही है, कोई मतलब नहीं, ऐसा हटा दो ऐसे बना लो, और आई से ये वैल्यू जीरो आ रही है बैलेंसिंग लेंथ पर. तो इस वाले केस में एक बात बताओ, वी ए माइनस वी जे का नाम क्या है, इसका नाम बताओ भाई, इसका नेम बताओ. तो इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे. इस पॉइंट को समझना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो यही समझ में नहीं आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, ठीक है. अभी मैं सब सेकंड केस करूंगा, तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट को सुनना हो. ए एंड जे, अच्छे हैं क्या, ए जे वन, सॉरी है ना, ए जे वन लिखे क्योंकि जे वन डाला है वहां पर. अच्छा, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड नहीं है, तो है, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे वन से है, तो है, इसमें तो करंट ही नहीं है, और करंट नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है जे वन से, इसीलिए. और ये टर्मिनल है सेल के, और टर्मिनल है सेल के, और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ए से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है जे वन से, इसीलिए इसका दूसरा नाम इसी वी ए माइनस के वी जे वन का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल बोल सकते हैं. अगर बोल सकते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ाओ ऐसे, व्हाट नेम ऑफ वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इसको आप चाहो तो वी मान लो यार, वी का नाम क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट का होता है, ए और जीवन का माना है, क्लियर है. तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो वी ए माइनस के वी जे, क्योंकि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है जो मैंने यहां पर ये लेट किया है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट का होता है, सेल का ई एम एफ ई, और इसमें कितनी करंट है इस समय भाई, सेल ओपन सर्किट में है, यहां पे करंट फ्लो करेगा नहीं, यहां से करंट आएगी जब ये बैलेंसिंग लेंथ ऑफ टर्न होती है, तो ए और जे वन का पोटेंशियल डिफरेंस सेल की ई एम एफ के बराबर होता है, और इसमें करंट फ्लो नहीं करती, तभी तो बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ टर्न हुआ, तभी तो इसमें करंट नहीं गई, तो आई की वैल्यू कितनी, जीरो इंटू आर. तो आप क्या ले सकते हो, वी ए माइनस के वी जे इज इक्वल टू ई, ये एक फर्स्ट केस. और पोटेंशियल ग्रेडियंट से लिखते हो के बराबर वी ए माइनस के वी जे वन, ऐसे. तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है इसकी, एल वन, ए और जे वन के बीच की लेंथ कितनी है, ए और जे वन लिखा है तो ए और जे वन के बीच की लेंथ कितनी है, एल वन. तो यहां से आप के एल वन बराबर वी ए माइनस के वी जे वन, वी ए माइनस के वी जे वन यहां पे किसके बराबर है, सेल के ईएमएफ के बराबर है कि नहीं, वी ए माइनस वी जे वन सेल के ईएमएफ के बराबर है,
और सेल के ईएमएफ के बराबर है तो वीए माइनस के वीजे वन पोटेंशियल ग्रेडियंट से केएलवन के बराबर है, दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये लिख सकते हो आप। अब चाहो तो इसमें ये पूरा करके दिखा सकते हो ऐसे की ऐसे ही, बस लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। आप ये डायग्राम बनाओ और ये डायग्राम बना के ये पूरा लिख दो ऐसे की ऐसे यहां तक। इक्वेशन नंबर टू डालो और फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ई बराबर के एल वन। चाहो तो आप इसे पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हो, डायग्राम यही बनाना, लिख देना कि की वन के वन कैसी है, ओपन है। नहीं आया? ठीक है भाई, ये समझ में आया पूरा केस? ये डायरेक्ट लिख दिया बेटा यहां पे। आप चाहो तो इसे पूरा करके शो कर सकते हो, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर आपको करना हो तो ये सॉल्व ऐसे करके दिखा देना यहां तक, ठीक है भाई? डायग्राम ये बनाना, इसी के डायग्राम के सारे पॉइंट इसी डायग्राम के माने मैंने, ठीक है? अच्छा, सेकंड केस जो क्या है इसमें, यहां तक आ गया पहले ओपन। अब सेकंड केस क्या है, इस की वन के वन को अगर हम क्लोज कर दें तो फाइंड अगेन, सेकंड केस कर रहे हैं नाउ, अगेन फाइंड द बैलेंस पॉइंट J2। नाउ अगेन फाइंड द बैलेंस पॉइंट J2 व्हेन द की K1 इज क्लोज्ड। जो की है K1 ये क्लोज कर दें, अगर की क्लोज कर दोगे तो देखो जैसे ये की क्लोज करी तो ये सेल इसमें करंट फ्लो करा देगा, इस रेजिस्टेंस में ऐसे, पीछे भी पढ़ाया हमने लेक्चर नंबर 12 में, करंट फ्लो करा देगा तो सेल करंट ड्रॉ करने लगा, और जब सेल करंट ड्रॉ करने लगता है तो सेल किसमें आ जाएगा, क्लोज सर्किट में, और यहां ये रेजिस्टेंस भी लगाया है तो एक ये भी लिख दो एंड रेजिस्टेंस आर इज इन द सर्किट, है ना? एंड रेजिस्टेंस आर इज इन द सर्किट, इस सर्किट में क्या है, आर भी है। फिर लिख सकते हैं क्या, इन दिस केस, इन दिस केस द सेल इज इन द क्लोज सर्किट। अब ये सेल क्लोज सर्किट में हो जाएगा, ये लाइन लिख लो, ये डायग्राम बना दो जो कह रहे हैं हम, तो यहां ये डायग्राम बना सकते हो आप, है ना? इसको मैंने कितना माना है, वी डैश, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, थोड़ा सा छोटा बनाओ, है ना? थोड़ा सा इधर अटके बनाओ तो जगह बनेगी उधर, कम नहीं पड़ेगा इधर, ठीक है? ऐसे ये बना दिया मैंने, ये वाला सर्किट सेम टू सेम रखा है मैंने, कोई चेंज नहीं किया सर्किट में, प्राइमरी वाले में, इसमें करंट फ्लो कर रही थी, अगर आई तो ये करती रहेगी आपकी आई करंट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? और इसका रेजिस्टेंस अब आर डैश मान लिया इस वाले वायर का, ठीक है? इस वाले वायर का आर डैश, वैसे अभी तक हम क्या मान चले आ रहे थे, आर मान चले आ रहे थे, क्योंकि नीचे हमने आर मान लिया ना बेटा, इसीलिए उसको हम आर डैश मान लेते हैं इस आर्टिकल में, नेम इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा था। अब क्या कर रहे थे, यहां सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इंटर रेजिस्टेंस आर है, और यहां हमने एक रेजिस्टेंस लगा लिया और इसकी को मैंने क्लोज कर दिया, देखो ऐसे, और ये गैलोमीटर। अब इसका जो नल पॉइंट ऑफ टेन हो रहा है ये J2 पर हो रहा है, बैलेंस पॉइंट कहां पर हो रहा है, J2 पर, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ हो गई है अब L2, लेट कर ली बैलेंसिंग लेंथ अब L2 है। इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये R डैश है, ये रेजिस्टेंस है ये कितना है, R डैश, है ना? अब जरा ध्यान देना, तो एक बात तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी ही नहीं करेगी, अब एक क्लोज सर्किट हो गया तो सेल करंट निकाल देगा, देखो यहां से आई वन, आई जी तो अभी भी जीरो है, तो ये एक सेल इसमें से करंट निकाले और ऐसे आ जाएगी करंट, ही जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है उतनी नेगेटिव में इसीलिए उधर नहीं जाएगी, जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है उतनी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, इसीलिए उधर करंट जाएगी नहीं बिल्कुल, सर्किट क्लोज हो गया, तो सेल करंट ड्रॉ कर रहा है कि नहीं, अब तो कर रहा है। अब सेल का जो देखो इस जब इस केस को प्रूव कर रहे थे तो इस प्रूफ में क्या आ रहा था कि VA माइनस के VJ1 सेल के EMF के बराबर आ रहा था, VA माइनस के VJ1 सेल के EMF के बराबर आ रहा था, क्योंकि ये सेल करंट ड्रॉ नहीं कर रहा था, माइनस के I इंटू R, तो I की वैल्यू इसमें जीरो थी, देखो इसमें करंट दिखा रहा हूं इसमें नहीं दिखाई, कुछ समझ में आया?
आई वन मानी क्योंकि आई उधर मान रखी हमने, इसका रेजिस्टेंस आर डैश नहीं आर माना है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है हम ये निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं सर्किट में कितनी करंट है। अच्छा एक करंट निकाल सकते हैं हम। अच्छा एक बात और बताओ कि ए और जे टू का नेम क्या हुआ इस जगह का, वो मैंने वी मान लिया है, वी ए माइनस वी जे टू, इसीलिए मैंने देखो इसे अठा के क्या कर दिया, वी डैश कर दिया है, वी डैश क्योंकि ये समझ में आया। अब मैं वी ए माइनस के वी जे टू को ए और जे टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वी मान रहा हूं। पहले मैं अब इसका नेम लिखता हूं, तो इसका नेम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे टू, इसका नेम लिखा हमने। इसका और नेम बताओ और क्या लिख सकते हो आप इसको, ये मैं पीछे भी बताया लेक्चर नंबर 12 में। इसका एक नेम लिख सकते हैं क्या, अब हम सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं इसको, है सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा अब ये, तो अब ये जो है अब इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो ए और जे टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें सेल में करंट फ्लो कर रही है अब, और सेल में अगर करंट फ्लो करे तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला पढ़ा है वी बराबर ई माइनस के आई आर, तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको आप सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कह सकते हो, ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जैसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई कह सकते हो, क्योंकि सेल का पॉजिटिव एंड डायरेक्ट ए से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे टू से है, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो इसका नाम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल तो है लेकिन ये ईएमएफ के बराबर नहीं है। पहले वाले केस में बराबर था क्योंकि इसमें करंट जीरो थी, जब जीरो लग देंगे इस करंट को तो ये करंट जीरो लग दी तो ये आ गया, अभी समझाया था ये थोड़ा देर पहले, क्लियर है यहां तक, पहले नाम समझ में आया। इसका एक नेम और बोल सकते हैं, इसका एक नेम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, इस वाले रार के अक्रॉस इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट ए से और इसी रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट जे टू से, ये वाला पॉइंट है, मैंने कहा नेम पर ध्यान दो। और ये रेजिस्टेंस आर टू के आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला, तो आर में कितनी करंट है आई वन और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो इस वी ए माइनस के वी जे टू को मैं आई वन इंटू आर लिख सकता हूं। समझ में आया पहले आपको, आया ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, एंड यहां जो v इज इक्वल टू, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें i इंटू आर, तो v की जगह पे हम लिखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल वी ए माइनस के वी जे टू, वी ए माइनस के वी जे टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ e है, करंट क्या जीरो है इस समय, इसमें करंट जीरो नहीं है और करंट कितना है सेल में, कितनी करंट फ्लो कर रही है i1, तो यहां लिखेंगे i1 r, जबकि पहले सेल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी और पहले इस सेल में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वी ए माइनस के वीजे वन और ये सेल का ईएमएफ और करंट जीरो थी और इंटरेस्टेंस है, इसीलिए यहां ये दोनों इक्वल थे। लेकिन अब यहां पर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस के वीजे टू सेल के ईएमएफ के इक्वल नहीं है, तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज वी ए माइनस के वीजे टू डज नॉट इक्वल टू सेल का ईएमएफ। ये पॉइंट है, इसको समझ लो, फिर अभी देखो समझ में आता है जो मैं बोलूं। वैसे यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है पहले, है ना, नाम पे ध्यान दो, नेम पे ध्यान दो आप, ठीक है। अब क्या करना है जरा समझो, ये तो बस समझाने के लिए बताया मैंने, यहां तक ही समझ में आया पहले आपको, ठीक है। अब एक बताओ, अगर हम इस सर्किट में देखो इस लाइन से लिखने से पहले ये लिख लिया यहां तक, ये लिख लिया, ये सेकंड केस हुआ नाव करके, यहां तक डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाने के बाद पहले ये लिखो फॉर प्राइमरी सर्किट, फॉर प्राइमरी सर्किट, पहले ये लिख लेना यहां तक, ये लिखने के बाद ये लिख लेना, डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने के बाद ये करना, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करना। एक पॉइंट बता देता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का
ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर हम फॉर्मा लगाएं के बराबर, तो वी ए माइनस के वी जे टू ओवर वी ए माइनस के वी जे टू लिख रहे हैं, तो लेंथ कितनी है एल टू, तो के एल टू बराबर वी ए माइनस के वी जे टू लिख सकते हो। यहां तक आ गया, यहां आने के बाद यहां से शुरू कर देना, ये क्लियर है यहां तक, समझ में नहीं आया ये है ना, ठीक है। ये भी ऐसे किया है भाई, प्राइमरी सर्किट में गए हैं, फॉर प्राइमरी सर्किट पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला वी ए माइनस के वी जे वन ओवर एल वन, वी ए माइनस के वी जे वन के एल वन के बराबर, और यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चल गई है बराबर था, इसलिए बराबर आ गए। ये समझ में आया, समझाया था अभी, ठीक है। तो फॉर प्राइमरी सर्किट में जाना, ये लिख देना, पहले ये लाइन लिखो, फिर ये लिख दो, फिर ये डायग्राम इसके नीचे ये लिख दो, फिर ये लिख दो, इससे आगे सॉल्व कर लो। अब इसकी वैल्यू कितनी है, वी ए माइनस के वी जे टू को के एल टू, यहाँ पे के एल टू लिख देता हूं, ये ई माइनस आई वन की वैल्यू निकाल लो, तो आई वन इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट है ना लूप भर में, और आई वन कैसे निकाले, आपको फॉर्मूला आता है टोटल करंट वाला, टोटल करंट बराबर क्या, टोटल करंट आई बराबर टोटल ईएमएफ, तो इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है ई, टोटल रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट का, इस वाले का सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और आर किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आर प्लस स्मॉल आर, डायरेक्ट लिख देना भाई करंट आई वन की वैल्यू, इस आई वन की वैल्यू निकालना चाहें तो आई वन इज इक्वल टू क्या होता है इस सर्किट के लिए, ये टोटल करंट है क्लोज लूप वन के लिए, तो टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो लिख दो यहां पर टोटल ईएमएफ ई और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर, ये देखो ऐसे बस हो गया, सॉल्व कर लो वैसे इसको, इसमें से ई कॉमन ले लो, के एल टू बराबर ई कॉमन ले लिया, तो वन माइनस स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही तो आएगा ई कॉमन लेने पर। अब नीचे से आप आर प्लस आर एलसीएम ले लो, तो मैं देखो इस डायग्राम को उठा देता हूं, इस डायग्राम को उठा देता हूं, ठीक है भाई, जगह नहीं है, इस डायग्राम को मैंने उठा दिया, बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट बता रहा हूं, इंसान में नहीं आता है कि ऐसे क्यों लिखा है, तो के एल टू इज इक्वल टू, यहां से आप ई तो ऐसे की ऐसे रहने दो, और यहां से नीचे से आर प्लस आर एलसीएम ले लो, तो यहां आर प्लस आर आ जाएगा, यहां माइनस आर आ जाएगा, इसी को चाहो तो इसके नीचे ले आओ ऐसे मल्टीप्लाइड में ना, इसी को इसके नीचे ले आओ डिवाइड में, तो यहां आ गया ई की वैल्यू कितनी है के एल वन, तो चाहो तो आप ई की वैल्यू कितनी पुट कर दो के एल वन, देखो स्टेप कट कर दिए मैंने, इस ई को इसके नीचे लाओ और e की वैल्यू यहां से के एल वन पुट कर दो, एक स्टेप कट कर दिया, तो k से तो k कट गया, यहां से इससे स्मॉल r से स्मॉल r कट गया, देखो है ना, तो यहां क्या आया l2 ओवर l1 और यहां आया r ओवर कैपिटल r प्लस स्मॉल r, लेकिन ये कैपिटल r रेजिस्टेंस वायर का नहीं है, यहां जो लग रहा है सर्किट में ये रेजिस्टेंस कैपिटल r है, नेम पहचानो, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। एल वन जब कैपिटल r नहीं लगाया था तब बैलेंसिंग लेंथ थी, जब कैपिटल r लगा दिया की क्लोज कर दी तब बैलेंसिंग लेंथ एल टू पे आ रही थी, तो अब इसे सॉल्व कर लो, इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, स्मॉल r निकाल लो, तो इसका से मल्टीप्लाई करें तो एल वन कैपिटल r, इसका से मैं करें तो एल टू कैपिटल r प्लस एल टू स्मॉल r, इसको उधर ले आओ तो एल वन माइनस एल टू और कैपिटल r कॉमन ले लिया, इसको उधर ला के कैपिटल r कॉमन ले लो, एल टू ओवर r, स्मॉल r निकालना है तो एल वन एल टू ओवर, इसको नीचे ले आओ एल टू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल, देखो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव, ठीक है। ये मेरे नोट्स से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ये ज्यादा इजी है, आप चाहो तो इसे नोट्स में कॉपी कर सकते हो बेटा, ठीक है, क्लियर है, जो मेरे नोट्स हैं पीडीएफ हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ज्यादा लेंथी कर दिया है, एक एक पॉइंट समझा दिया कि कैसे लिखे, वहां पर डायरेक्ट लिख दिया है, यहां समझाया कि कैसे लिखा है मैंने, ठीक है, ये समझ में आया आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सेल का, इसमें बैलेंसिंग लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए, L1 L2 कितनी बैलेंसिंग लेंथ है ना, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम इस सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे नॉन रेजिस्टेंस का वायर यहाँ पे, और बैलेंसिंग लेंथ हम मीटर स्केल से रीड कर लेंगे जब नल पॉइंट टच ऑप्टन करेंगे तब, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हेडिंग लगाते हैं sensitivity of a potentiometer, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर
कि किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है और किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोई पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव तब कहा जाता है जब वह पोटेंशियोमीटर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर ले। अगर कोई पोटेंशियोमीटर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर लेता है तब हम कहेंगे कि वो पोटेंशियोमीटर कैसा है, वेरी सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है। ठीक है, अब इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया। और ये पता लगाया गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना स्मॉल होगा, सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही लार्ज होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल, सेंसिटिविटी लार्ज। तो अगर हमें किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो हमें एक ऐसा पोटेंशियोमीटर बनाना चाहिए, उसमें ऐसी कंडीशन सेट करनी चाहिए कि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब किसी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम करें, तो थोड़ा सा देखो मैं समझाता हूं आपको। देखो हम क्या बनाते थे, ये पोटेंशियोमीटर ऐसे, ये भी यहां पे हम एक पोटेंशियोमीटर वायर लगाते थे। याद है ये पोटेंशियोमीटर वायर कितने मीटर लंबा लेते थे हम, 4 से 12 मीटर लंबा। तो इतना लंबा वायर लेने की जरूरत क्या थी, तो जानते हो लेंथ ज्यादा लेते हैं फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पोटेंशियोमीटर में लॉन्ग वायर क्यों यूज किया गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करके सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर में लॉन्ग वायर यूज करते हैं। तो समझाता हूं, तो देखो ये एक ए बी वायर है, इसकी लेंथ है। अब आपको याद हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है के, वो हम लिखते हैं वी ए माइनस के बी बी ओवर कैपिटल एल। और याद हो ये कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस डायग्राम में, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, है ना। तो हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर की बात कर रहे हैं। तो इस समय ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर ही है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का बी से है। तो आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कह सकते हो, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो वी ओवर एल। तो ये कहता हूं फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर इसको हम कॉन्स्टेंट रखें, इसको चेंज नहीं करें, और लंबाई चेंज करें हम तो के प्रोपोर्शनल टू 1/l आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि इसको चेंज नहीं कर रहे, लेंथ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, तो वी चेंज नहीं कर रहे तो के का एल के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। लेंथ लार्ज लेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी हो जाएगा, स्मॉल। और पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होने से सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। तो अगर हमें किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा वायर के को, पोटेंशियोमीटर के को। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए हमें लॉन्ग वायर यूज करना पड़ेगा फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ये लाइन लिखना जरूरी है एक। और दूसरा तरीका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के दो तरीके हो सकते हैं, तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका है अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखें, तो देखो इस वी का नाम मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अच्छा आपको याद है इस वायर का रेजिस्टेंस हम कितना मानते थे, कैपिटल आर। इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर।
तो ये बताओ अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है, ये वाला हमें इससे मतलब है, इस वी से वैसे मतलब नहीं है, है ना। हमें तो किससे मतलब है, इस वी से नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी से मतलब है, ठीक है। चलो अभी वी लिख देता हूं, वी ए माइनस के वी बी ऐसे लिख देता हूं, है ना। आर एक बात है ना, इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली ए से, दूसरा एंड डायरेक्टली बी से नहीं है, तो आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर भी बोल सकते हो। वी ए माइनस वी बी को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो होगा वो आर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और आर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसे बताओ यहां आप करंट फ्लो करा रहे हो आप आई, तो कितना ले सकते हो इसको, आई इंटू आर ओवर एन। अब एक बार बताओ क्या हम एक बार फॉर अ वायर ले लिया तो उसकी रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकती, ये आर एक बार ये इस वायर की तो रेजिस्टेंस है एक बार फॉर अ गिवन वायर के लिए, अब फॉर अ गिवन फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर, फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर के लिए, तो एल तो अब हमने क्या कर लिया, एक बार वायर ले लिया, और वायर ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा आर बराबर रो एल ओवर ए, तुम वायर चेंज ही नहीं कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया, तो फिर करंट के साथ के का रिलेशन कैसा हो गया, आई की डायरेक्ट रिलेशन हो गया करंट का, बाई फॉर अ गिवन फिक्स लेंथ ऑफ वायर, अगर आपने 4 मीटर लंबा वायर ले लिया फिक्स कर दिया, अब इसे चेंज नहीं कर रहे हो आप इसे, तो वायर ही चेंज नहीं कर रहे हो तो वायर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, एरिया प्रोसेस चेंज नहीं होगा, लेंथ भी चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो आर तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, इस वायर ए बी का तो रेजिस्टेंस था ये, ठीक है, और फिक्स लेंथ क्या थी, और लेंथ भी फिक्स हो गया, तो के और आई के साथ कैसे रिलेशन बन गया, डायरेक्टली रिलेशन बन गया, और डायरेक्टली रिलेशन बना तो अगर हम इसमें करंट कैसी हो, स्मॉल करंट हो या लार्ज करंट हो, स्मॉल, अगर इस करंट को हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है इसको हम कम कर दें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। सर इसको हम कम कैसे करेंगे, तो इसको कम करने के लिए एक डिवाइस होता है रीस्टोर, ऐसे एक डिवाइस इसको बोलते हैं रीस्टोर आर एच, ये रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकता है, यहां से इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हम, ये जो रेजिस्टेंस है वो इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस है, तो इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे, हम इस रीस्टोर एक डिवाइस है जिसके हम रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं सर्किट का, और सर्किट का रेजिस्टेंस घटा बढ़ा के हम इसमें रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे रेजिस्टोर को तो करंट कम हो जाएगी, और करंट रिड्यूस करके किसके द्वारा रिड्यूस करें, रीस्टोर के द्वारा रिड्यूस करें, करंट को रिड्यूस करके पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर लेंगे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एक ये वाला पॉइंट समझ में आया, पहले सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉइंट समझ में आया। अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं यहां पे, तो एक बार बताओ यहां पे मैंने आपको बताया था फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए, फॉर अ पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल याद है आपको, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, होता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और प्रोपोर्शनल टर्म हटाते हैं तो क्या आता है कॉन्स्टेंट टर्म, उसका नाम क्या था के, आप इसी को देख लो यार, वी बराबर के एल, फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए कोई कॉन्स्टेंट टर्म था ना, नहीं आया, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है, और ये समझ में आती है तो वी और एल में कैसा रिलेशन था, प्रिंसिपल तो यही था ना, और प्रिंसिपल ये था तो वी और एल में ग्राफ बनाए लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर और पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, वायर के एंड्स के क्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इसमें कैसा रिलेशन है इसका, डायरेक्ट रिलेशन तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, तो वी और एल में ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, अगर आपने प्रिंसिपल नहीं पढ़ा तो पहले प्रिंसिपल पढ़िए, वहां से पोटेंशियोमीटर का वायर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये समझ में आता है पहले आपको ग्राफ। इसमें एक छोटा सा पॉइंटर बताता हूं मैं, इसमें जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन आता है, पहले ये सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया ना, ये लिख के भी दिखा दूंगा कैसे लिखते हैं इसको, समझा दिया मैंने पहले, है ना। अब मैं इसमें एक पॉइंट इसमें बता रहा हूं, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक आपसे, इसमें एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहां ये जो थीटा है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालें और ये स्ट्रेट लाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को शो करेगी, क्वेश्चन कौन है यहां पे के, तो ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को, है ना। तो अगर हम इसमें क्या निकालें, स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर बटे बेस। देखो परपेंडिकुलर जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये किसकी एक्सेस है, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सेस, तो परपेंडिकुलर तो भी हो गया। और ये लाइन लेंथ की एक्सेस है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंथ की एक्सेस, तो लेंथ होगी तो ये लाइन हो गया। यहां से देखें तो V ओवर L किसके बराबर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, तो आप यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हो, तो K बराबर tan थीटा। समझ में आया, ये देखो यहां V लिख रहा है यहां L लिख रहा है तभी वैलिड है, इसे रटना नहीं, समझ लो इस वाले पॉइंट को। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि हमारे पास दो पोटेंशियोमीटर है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाया, लेंथ है यहां पे, तो दो पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर एक्स है, ये पोटेंशियोमीटर वाई है, तो बताओ किसके, कौन सा पोटेंशियोमीटर सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए बेटर है, बढ़िया है, एक्स या वाई, ये दो पोटेंशियोमीटर है मेरे पास, तो इन दोनों पोटेंशियोमीटरों में से कौन सा पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए बेटर है, तो हम कहेंगे भाई पोटेंशियोमीटर वो वाला बेटर होगा जिसका सेंसिटिविटी कैसी होगी, लार्ज होगी, और सेंसिटिविटी लार्ज है ये कैसे चेक करें कि एक्स और वाई पोटेंशियोमीटर में से किस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी लार्ज है, ये कैसे पता लगाएं, तो जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा वो मोर सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी और वही पोटेंशियोमीटर बेटर रहेगा ईएमएफ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसकी सेंसिटिविटी कैसे पता करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे पता करें कि किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है, तो देखो इसको हमने थीटा एक्स मान लिया, इसको हमने थीटा वाई मान लिया, तो फॉर अ ग्राफ थीटा वाई ज्यादा है थीटा एक्स, देखो ग्राफ में दिख रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं हम टेन थीटा वाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने के एक्स मान लिया, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने के वाई मान लिया। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमें सोल्यूशन यहां से शुरू करना चाहिए, यहां से ये फिगर बनाना चाहिए, फिर यहां से यहां तक कर लाना चाहिए, पहले जब भी क्वेश्चन आया तो पहले हमें क्वेश्चन यहां से शुरू करना चाहिए, पहले ये फिगर बना लो, फिर यहां से यहां तक शो कर दो, फिर यहां शो करने के बाद यहां से फिगर बना दो, आप ये फिगर बना के यहां तक ले आओ। तो देखो इस फिगर में एक ही ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो थीटा है वो के बराबर टेन थीटा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट टेन थीटा के बराबर है, तो ऐसे ही इसका ये किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, के वाई, तो इसे हम के सॉरी ग्रेटर लगा हुआ है यहां पर, तो ये के वाई ग्रेटर देन के एक्स, तो इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, एक्स वाले वायर का, एक्स वाले पोटेंशियोमीटर कम है, इसका एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो ये मोर सेंसिटिव होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होता है उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसीलिए ये वाला एक्स वाला पोटेंशियोमीटर बेटर है किससे, पोटेंशियोमीटर वाई से, क्या करने के लिए, सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया पहले आपको, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, देखो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर आप ऐसे लिख सकते हो, अभी मैंने समझाया था आपको, इसमें क्वेश्चन और आता है कि किसी सेल को ईएमएफ, किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेटर है या वोल्टमीटर, तो आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, सुनना, पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और वोल्टमीटर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है सेल का, अगर हम सेल का पोटेंशियोमीटर भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और वोल्टमीटर भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट डिफरेंस ये होता है कि पोटेंशियोमीटर नल मेथड डिवाइस है, इसका मतलब है कि पोटेंशियोमीटर में सेल करंट कोई ड्रॉ नहीं करता, सेल ओपन सर्किट में होता है
और जब सेल ओपन सर्किट में होता है पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में सेल नल, पोटेंशियोमीटर नल मेथड डिवाइस है, इसका मतलब है सेल ओपन सर्किट में है, दैट मीन सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। और जब सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ इक्वल होता है। तो इक्वल होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जो किसके बराबर है, सेल की ईएमएफ को, ईएमएफ के, तो मेजर कर लिया उसने ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस तब मेजर करता है जब सेल कोई करंट ड्रॉ करे। जब वोल्ट मीटर से हम किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो उस कंडीशन में सेल कुछ करंट ड्रॉ करता है, दैट मीन्स वहां सेल क्लोज सर्किट में होता है। और जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसीलिए सेल का ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से कम होता है और मेजर करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। तो किसको मेजर नहीं किया, ईएमएफ को नहीं किया, क्योंकि उसके इक्वल नहीं है। इसीलिए सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए दोनों में कौन बेटर है, पोटेंशियोमीटर। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा देखो मैं मैथमेटिकली समझाता हूं। देखो एक ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये मैंने एक सर्किट लगा दिया है ऐसे, ए रेजिस्टेंस आर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर हो चाहे आपका वोल्ट मीटर हो, दोनों के दोनों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है, वी इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर, है ना। आप कहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, इसको धल्ला के। ये टोटल वोल्टेज होता है, ये यूजफुल वोल्टेज होता है, ये वेस्टेज वोल्टेज होता है। याद है आपको इसका नाम मैंने टोटल वोल्टेज बताया था, जब मैंने रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन पढ़ाया है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल और इंटर रेजिस्टेंस में रिलेशन, इसको टोटल वोल्टेज बोलते हैं, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसका नाम यूजफुल वोल्टेज बोलते थे और इसका नाम वेस्टेज वोल्टेज। तो देखो इसमें जब आपका हम पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर नल मेथड डिवाइस होता है, और पोटेंशियोमीटर नल मेथड डिवाइस है, नल मेथड अगर डिवाइस है तो इसमें जो सेल है, डिवाइस है, इसमें जो सेल है ओपन सर्किट में होता है। इस वाले केस में सेल इज इन ओपन सर्किट, और सेल इज ओपन सर्किट, दैट मीन सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। और उस वाले केस में देखो यहां अगर वैल्यू पुट करें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा। अगर पोटेंशियोमीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करता है तो किसके इक्वल, सेल के ईएमएफ के, और सेल के ईएमएफ को इक्वल है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया वो सेल के ईएमएफ के बराबर है, दैट मींस उसने सेल के ईएमएफ को मेजर कर लिया। लेकिन जो वोल्ट मीटर है आपका, जो वोल्ट मीटर है ये नल मेथड डिवाइस नहीं होता, ये तब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है जब सेल कुछ करंट मेजर करता है। जैसे ये वोल्ट मीटर लगा दिया, देखो अभी हाल फिलहाल तो ऐसे बना दें ऐसे, तो ये तब करंट मेजर, ईएमएफ मेजर करेगा जब इस सेल करंट ड्रॉ करे। तो ये वोल्ट मीटर में सेल इज इन क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में होता है भाई, और क्लोज सर्किट में दैट मीन सेल कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा, और ड्रॉ किया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ईएमएफ से कितना कम होगा, इतना कम होगा आईआर के बराबर, क्योंकि अभी वाला पोर्शन जीरो नहीं होगा। आप यह कह सकते हो कि सेल का टोटल ईएमएफ, टोटल वोल्टेज कितना था ई, इसमें से इस आर को, इस बल्ब, ये बल्ब लगा हुआ है, समझाया था मैंने इसे, ये इस आर को कितना वोल्टेज मिला, वी मिला,
बाकी का वोल्टेज कहां गया? ये V किससे कम है? E से कम है, तो E से कम टोटल वोल्टेज सेल के पास E वोल्ट था, लेकिन इस बल्ब को मिल रहा है V, तो फिर बाकी का वोल्टेज कहां है? तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर होता है उसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, जिसे हम वेस्टेज वोल्टेज कह सकते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल की ईएमएफ से कितना कम हो गया? आईआर के बराबर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस में अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है इतना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इसने वोल्टमीटर ने क्या मेजर किया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये किससे कम है? सेल के ईएमएफ से कम है। तो क्या वोल्टमीटर सेल के ईएमएफ को मेजर कर पाया? नहीं कर पाया। तो हम ये कह देंगे कि इसीलिए सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए, सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में से कौन सा ज्यादा बेटर डिवाइस है? तो पोटेंशियोमीटर। समझ में आया ये? तो आपको इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख के दिखा देता हूं आपको कैसे लिखना है। आपको थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है? देखो मैंने आंसर लिख दिया, एक बार रीड कर लेते हैं। वाई इज अ पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द, किसको मेजर करने की कह रहा है? ईएमएफ ऑफ द सेल। तो लिख रहे हैं पोटेंशियोमीटर इज नल मेथड डिवाइस एट नल पॉइंट, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट नल पॉइंट पर, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल, है ना। देयर दस देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है देखो ये फॉर्मूला होता है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर करंट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आई जीरो होगा, कोई सेल करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो आई जीरो होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? जीरो। तो ये ड्रॉप नहीं हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बिल्कुल भी। ये लिख रहा है दस देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, है ना। फिर आगे कह रहा है इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्या मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, इज एन ओपन सर्किट, किसमें मेजर कर रहा है? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में मेजर कर रहा है, विच इज इक्वल टू द एक्चुअल ईएमएफ द सेल का। ओपन सर्किट का मतलब होता है जब सेल कोई करंट ड्रॉ ना करे तो उसे ओपन सर्किट बोलते हैं, है ना। तो वी रावर ये, तो देखो बराबर हो गया आई जीरो तो वी रावर ये। लेकिन जो आपका वोल्टमीटर होता है, ऑन अदर हैंड वोल्टमीटर ड्रॉज अ स्मॉल करंट, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो वोल्टमीटर ड्रॉज अ स्मॉल करंट फ्रॉम द सेल फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। जब ये वोल्टमीटर से हम रीडिंग लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल की, तो उसमें इस ऑपरेशन में करंट ड्रॉ होती है सेल से, सो इट मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट, जब सेल करंट ड्रॉ कर रहा है तो क्लोज सर्किट बोलेंगे उसे, विच इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो अगर आई जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसके अक्रॉस? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो V की वैल्यू E के बराबर नहीं होगी, V की वैल्यू किससे कम रहेगी? E से। तो वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा भाई? मेजर तो वोल्टमीटर भी और पोटेंशियोमीटर भी, दोनों ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। फर्क यह कि ओपन सर्किट में मेजर करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, और ये क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को मेजर करता है। बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को मेजर करते हैं, लेकिन यहां पर टर्मिनल ओपन सर्किट में कर रहा है, इसीलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर है। तो इसको मेजर करेगा तो ईएमएफ को मेजर कर लिया, बराबर है ना दोनों। लेकिन यहां पर वोल्टमीटर जब मेजर कर रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है और उसकी वैल्यू ईएमएफ से कम है, इसीलिए दैट इज व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग, क्या करने में? ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करने में पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेटर है। नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, समझ में आया यहां तक?